कमाना है कमाने दो, वो तो बिजनेसमैन है, आप तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो ना, तो आपने क्यों खोलने दिया यहाँ पे? हम लोग बहुत बहुत दुखी है यहाँ पे, वो दोबारा हाउस से कोई वोट नहीं करेगा आम आदमी पार्टी को, हम आपको साफ बता रहे हैं। इनवाइट कर रहा हूँ उनको, आए हमारे साथ बैठ के अनशन करे, दिखाए ये अन्ना हजारे से निकली हुई पार्टी है, उनकी विचारधारा में चलती है, आए ना। अरे केजरीवाल अंदर जा रहा है जेल ने, कोर्ट ने अंदर किया उनको, वो घपला किया तो किया, आप उनका साथ दे रहे हो अपनी पार्टी के मुखिया का। हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय ठेके वाले, ठेके वाले, भी माताएं बहने बच्चियां अभिभावक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आप हमारी समस्या को समझिए कि हमारे बच्चे यही उतरते हैं और यही अमेरिका खोल रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को, हमारी इस अपील को, हमारी इस बात को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, वायरल कीजिए हमारी इस बात को। हर संकट से देखो हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलियों का, हमारे बहु बेटियों का, सोचो जो शराफत को खोल रहे हैं, जो फिर आ गए वो हमारे परिवार वालों के बारे में सोचो, उनको हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, जो कहो कि हम प्यार है, पर हम शराफत का नहीं खोलने देंगे किसी की भी नहीं, और इतना कुछ यहाँ पे होता है, कुछ भी खोलो, कोई भी काम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलो, आप देख सकते हैं यहाँ पे और कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे रात को एक थोड़ा तेज रात यहीं पे आएगा, हम ये भी जिम्मेवारी लेते हैं, लेके साथ वाली दुकान का शटर तो होती है। राजीव जी, आज हम जानना चाहेंगे कि ये शराब का ठेका भी खुला भी नहीं है और कई चोरी की घटनाएं शुरू भी हो गई है यहाँ पर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए कल जिस तरह हम लोग यहाँ पर आप पिछले 8 दिन से शराब का ठेका नया खोलने जा रही हूँ, उसके विरोध में यहाँ पर हम 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो कल जिसका डर था वही हुआ कि K10 न्यू महावीनगर में शराब का ठेका खुल रहा है और K9 न्यू महावीनगर में सिंगला आर्मी कोर के अंदर रात को 40,000 रुपये की चोरी हो गई, रात को दुकान का शटर तोड़कर कुछ सिक्के और कुछ कैश 40,000 रुपये तक का उन्होंने चुरा के ले गए चोर। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस DCP साहब से भी पूछना चाह रहा हूँ, ACP साहब, एसपी साहब से, कि ऑलरेडी एक शराब का ठेका है हमारे पास आगे कुछ मीटर की दूरी पे, यहाँ पर दूसरा शराब का ठेका खोलने जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अपने पहले ही संभाली नहीं जा रही है और बिगड़ेगी, उसको क्यों बिगाड़ना? मैं तो DCP साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी आगे इसको लिख के दे कि एक शराब का ठेका जो है उससे जनता परेशान है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कुछ ना कुछ, यहाँ पर कोई छेज नशीन, यहाँ पर चाकू भी दिखाई जाती है, कहीं एक पर पिस्टल भी दिखा दी, उससे लोग परेशान हैं, दूसरा ठेका खुलेगा तो हमारी लॉ और बिगड़ेगी। मैं आपको ये FIR की कॉपी दिखा रहा हूँ, ये झूठ बात नहीं है, ये देखिए, ये कल रात को तकरीबन 10 बजे K9 न्यू महावीनगर शॉप में शटर तोड़कर 40,000 रुपये की चोरी हुई। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ जो है दुकान के मालिक है सिंगला जी, ये बैठे हैं, ये भी इतने आहत हो गए हैं, इतने डर गए हैं कि यार ये कह रहे हैं कि यार हम लोग अब क्या करें, किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाए, जिस दिन शराब बिक्री चालू हो गई उस दिन तो उनका रहना ही मुश्किल हो जाएगा, करोनी अंदर है, अभी बगल वाली दुकान में चोरी हुई है, कल को अंदर करोनी में चोरी होगी, डकैती होगी, कोई मर्डर हो जाए, मारेंगे जिम्मेवारी किसको लेगा, पुलिस लेगी, DCP साहब लेगी, लेंगे DCP साहब, अगर यहाँ पर मर्डर हो जाए, अभी चोरी हुई है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन DCP साहब लेंगे, ACP साहब लेंगे, भी हो जाता, इनका लड़का ने उनसे निकाला था, वो डर के मारे यहाँ पे, फिर डर के मारे उसको पकड़ा नहीं उसने, उन्होंने कहा मेरे को चाकू ना मार दिया जाए, ये बंदूक ना मार दे, इससे पहले भी मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, एक बार इनके यहाँ पर बैग छीनने की कोशिश करी गई,
ये गाड़ी में बैग रख रहे थे, दो लड़के बाइक में आए, बैग छीन, लड़का जब पीछे भागा बैग तो छूट गया, उनको पकड़ने पाया, उसने वहाँ पिस्तौल दिखा दी लड़के को, लड़के ने उसी वक्त ही बैग हो गया। इसकी रिपोर्ट नहीं कराई उन्होंने, इसलिए ऑन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इनके संग या क्योंकि ऑलरेडी एक शराब का ठेका पहले है, इसलिए ये दूसरा खुल जाएगा तो अंदर यहाँ पर कब वेट करेंगे कि भैया अंदर जो है किसी को लूट ले, मार दे, हथोट ले, इसलिए महिलाओं के संग बदतमीजी हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? क्या पुलिस यहाँ पर प्रोटेक्शन दे पाएगी? हमें दे पाएगी? अगर दे पाएगी तभी शराब का ठेका खोलने दे। अगर वो लिखित में दे देते हैं कि हम पुलिस, हम जो है के ब्लॉक की जनता यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, डीसी साहब से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो आगे रिपोर्ट देंगे कि भैया यहाँ पर जो है लॉ बिगड़ेगी। अभी एक चोरी हुई है, कल को कुछ और होगा, कल को कुछ और होगा, तो उसकी जवाबदारी कौन? तो ये जो आज जो घटना घटी है इसकी जानकारी आप विधायक को दे के उनके संज्ञान में ये लाओगे बात? आप सर, आप देखो विधायक की आप बात छेड़ रहे हो, आप सबको पता है विधायक जी कहाँ है, ये यहाँ पर लगातार 8 दिन वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं जी वहाँ पे, लगातार 8 दिन से धरना चल रहा है। हाँ जी, विधायक जी एक दिन भी यहाँ पर आए, एक दिन आए स्टेज पे खड़े हुए और बोल के गए ठेका हम खुलने नहीं देंगे, ये ठेका खोलने नहीं देंगे हम, ठेका खुल रहा है। लेकिन जैसे ही उनके आम आदमी पार्टी के जो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, वो उनके घर पहुंच गए, वहां धरना देना चालू कर दिया, पुलिस ने डिटेन किया, बसों में लटक के अंदर जाके हिरासत दे रहे हैं। अरे यहाँ हिरासत देना, वो तो वहाँ आज वहाँ पहुंचे हुए हैं शहीद, यहाँ धरने में बैठे ना हमारे साथ। हाँ जी, हिरासत देनी तो यहाँ से दो ना, बैठो दुकान के आगे, मतलब वो मुख्यमंत्री है, वो आम आदमी है, खास आदमी है, मैं नहीं जानता, मतलब उसके यहाँ वो धरना दोगे तुम? तुम्हारे इलाके में जो हो रहा है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है, जहाँ तुम धरना नहीं दोगे? दो हमारे संग बैठ के धरना, यहाँ पर बैठो हमारे साथ, यहाँ पर दिखाओ तुम दिल्ली का यही विधायक हो, यहाँ पर जनता ने चुना है, यही दिखाओ ना आप। क्यों देंगे धरना? पैसे मिलते शराब माफी होती इनको और क्या है? क्यों देंगे यहाँ पे आके धरना? आप भी बोलेंगी कुछ? बोलिए आप, राजीव जी ने बोल दिया, वो कोई नहीं, आप बोलिए ना, आप महिला की एक आवाज अलग होती है, महिला की आवाज भी जानी चाहिए। देखिए जो राजीव जी कह रहे थे अभी बिल्कुल सही, स्पष्ट, इन बहुत बिल्कुल एकदम उन्होंने सही बोला है। हम लोग यहाँ पे जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे चैनल के माध्यम से इनवाइट करेंगे क्या उनको? बिल्कुल, जरनैल सिंह जी, हमारे जरनैल सिंह जी आप तो यहाँ पे आए थे, आपने तो हमसे वादे किए थे, कहाँ गए वो वादे? यहाँ पे तो वो अपना काम कर रहे हैं, आपने कहा था काम नहीं शुरू करने देंगे, आप कहाँ गए आपके वादे? हम तो चाह रहे हैं आप आइए हमारे, हम आकर देखिए तो सही, हम कितने परेशान हैं यहाँ पे सब, हम कौन जिम्मेदार होगा अगर हम सबको सामना करना पड़ेगा ठेके खुलने के बाद, कौन जिम्मेदार होगा बताइए ना? हम लोग तो बहुत परेशान है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ठेका खुले, आप कहीं और खोल लीजिए, कमर्शियल एरिया में खोलिए ना, रेजिडेंशियल एरिया में खोलना क्या मतलब है आपका? आपने लाइसेंस पे साइन क्यों किया? आपने लाइसेंस क्यों दिया? आपको पहले ही देखना चाहिए था कि नक्शे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, अगर वो कुछ भी हेरा फेरी करके आपको नक्शा कुछ भी दिखा देंगे तो आपने, आपको तो खुद पता ना, आप तो वोट मांगने आए थे ना, आपको तो खुद पता ना कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, तो आपने यहाँ पे साइन क्यों किया? आपने यहाँ पे क्यों खुलने दिया? आपको तो पता थी ना ये बात, किसी और कुछ तो पैसे कमाने कमाने दो, वो तो बिजनेस मैन है, आप तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो ना, तो आपने क्यों खोलने दिया यहाँ पे? हम लोग बहुत बहुत दुखी है यहाँ पे, वो दोबारा हाँ से कोई वोट नहीं करेगा आम आदमी पार्टी को, हम आपको साफ बता रहे हैं, राजीव जी यहाँ खड़े हैं, हम सब खड़े हैं, यहाँ पे सारी जनता खड़ी है, सबके सामने हम बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी अनशन से आई थी, अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, धरना दिया था, ठीक है ना, पार्टी अनशन तो अभी भी चल रहा है। तो ऐसा है ना, मैं अरविंद अपना जनरल सिंह जी को इन्वाइट करता हूँ, वो आए यहाँ बैठे हो अनशन करे आपके साथ में, हमारे चैनल के माध्यम से उनको संदेश दे, मैं बिल्कुल इनवाइट कर रहा हूँ उनको, बिल्कुल आए हमारे साथ बैठ के अनशन करे, दिखाए ये अन्ना हजारे से निकली हुई पार्टी है, उनकी विचारधारा में चलती है, आए ना। अरे केजरीवाल अंदर जा रहा है जेल ने, कोर्ट ने अंदर किया उनको, कुछ घपला किया तो किया, आप उनका साथ दे रहे हो अपनी पार्टी के मुखिया का, जो पब्लिक यहाँ पर इनोसेंट बैठी है, जो राइट के लिए लड़ रही है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने आपको वोट किया, आप उनका साथ नहीं खड़े, बैठो यहाँ पर, दो धरना यहाँ पर हमारे साथ बैठकर, और तब तक मैं ढीलो, तब तक मैं ढीलो जब तक शरण के नीचे नहीं गिरता, हमारे साथ बैठो, हमारे संग खाओ, हमारे संग बैठो, हमारे संग लेटो, जो करना हमारे संग बैठो, हमारे साथ बैठो, आप नहीं बैठेंगे,
अन्नाचार्य जी क्या बोला, क्या सोचा, क्या हो गया? भाग जाएंगे, ये अनशन से निकली पार्टी नहीं है, ये बाल कुमार वाले पार्टी बनी है। क्या सोचा इसके बारे में, क्या हो गया? केवल बिहन्ना जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये निकम्मा निकल गया सारा बीच और क्या था, मौका प्रस्त धोखेबाज। अन्ना के चक्कर में आगे निकल गया, उनको धोखा दे गया। अन्ना जी को इसने साथ में लिया। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं मुझे कोई अफसोस नहीं है, वो तो अन्ना जा रहे, छोड़िए, इन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया ही। आप हमारे साथ खड़े हैं या हमारे सामने खड़े हैं? आप सोच के तो करिए, लड़कियों के स्कूल के साथ में आप ठेका खोल देंगे, गुरुद्वारा मंदिर कुछ तो देखिए, इतनी भी शर्म बेच खाई है आप लोगों ने। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया उसी के अंदर खोल, अपने घर के नीचे खोल के देखो ना ठेका शराब का, तो समझ में आएगा आपको क्या तरीका। हमारे विधायक जिनकी आप बात करें वो तो नदारद है, पहले दिन आए थे जब चार लोग होते तो बोलते ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा क्या मतलब, आओ ठेका क्या है क्या नहीं, आप क्या कर रहे हो इसके लिए, आप क्या कर रहे हो, पहले तो हमें हमारे पास आओ, हमें आके अपडेट दो कि आप हमारे लिए ठेका बंद करवाने के लिए आप ये सब कार्यवाही कर रहे हो। उनके ऑफिस जाने के लिए आज हमने सोचा, पर वो तो खुद ही अपने मंदिर पर, वो तो वहाँ शहीदी पार्क पहुंचे हुए हैं जी, वहाँ पहुंचे हुए तो हमारा तो बेकार ही हो गया। तो होली के बाद आपका कोई प्लान है जाने का वहाँ पे? हाँ जी, होली के बाद तो हम उनका धरना जरूर देना, अब यहाँ धरना देने से तो हमको समझ में आ गया कुछ नहीं होने वाला। अपनी आवाज उनके कान बंद है ना तो हमको खोलने भी आते हैं, अगर जनता सिर पे चढ़ाना जानती है तो पैरों में भी लाना जानती है, और ये हम दिखा देंगे उनको, क्योंकि हम अपनी जान पे खेल जाएंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, ठेके की शराब की एक बोतल ठेके में नहीं रखने देंगे हम यहाँ पे, ठेका छोड़ो, अगर यहाँ पे ठेके की एक बोतल पे आ गई ना केजरीवाल जी तो भूल जाना, आपका एक तो शराब नीति का घोटाला चल ही रहा है। मैं ये केंद्र सरकार से और जितनी भी एजेंसियां है ना उनसे अपील करती हूँ कि आपके सामने एक नया घोटाला आ रहा है, शराब का जो लाइसेंस है उसके वितरण की भी जांच की जाए, जो सरकार जो लाइसेंस वितरण करती है उसमें कितना पैसा ले रहा है, शराब बेचने में तो लगा ही रही है, लाइसेंस जो इशू करती है उसका भी एक नया घोटाला सामने आने वाला है, और उसमें शायद इसका फिर कोई पांचवा मंत्री जाएगा। ठीक है, यह हर जगह हर चीज में शराब ही बना रहे हैं। कराने की दुकान थोड़ी है, जो पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो तो शराब में रहता है हमेशा, वो तो आप जब भी आप देखेंगे वो शराब के नशे में ही बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो दिल्ली को भी शराब का बना देंगे फ्री बना के, सबको तो आपाइश बना ही रहे कि आप काम मंदिर फ्री दे रहे हैं। अगर आपको फ्री बांटने का इतना ही शौक है, आप चाहते हैं कि हम मेहनत ना करें, हमको सब कुछ फ्री का मिल जाए, हमको श्रीलंका बनाना चाहते हैं ना ये, तो इनको बोलिए अपने बच्चों को ना पढ़ाए, उनको बोलो बेटा तेरे लिए इतना सारा पैसा इकट्ठा कर दिया मैंने कि तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े, उनको क्यों आईआईटी में करा रहे, अपने बच्चों को लायक बना रहे हैं, हमारे बच्चों को फ्री का बांट के ये क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े नहीं शराब पी के चोर उचक्के बनाना चाहते हैं, ये क्या तरीका है इनका, हमें फ्री का आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपके सवाल सारे जायज हैं, ये बात ऊपर तक पहुंचेगी, आपने जो बताया ये ऊपर तक पहुंचेगी, जहां तक पहुंचा सकते ये पहुंचाएगी, एक नया घोटाला सामने आने वाला है, शराब का लाइसेंस का वितरण का जो है इसमें कितना घोटाला चला, इससे बड़ा घोटाला निकल के आएगा सामने, ठेके वाले ठेके वाले शराब वाले दिल्ली से ठेके वाले ठेका हटा ले, ठेके वाले ठेका हटा ले, ठेके
आप कोई अपील करना चाहेंगी हमारे दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं? आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपील का मौका दिया। आपके माध्यम से जितनी भी माताएं, बहनें, बच्चियां, अभिभावक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आप हमारी समस्या को समझिए कि हमारे बच्चे यही उभरते हैं और यही रहेगा खोल रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो को, हमारी इस अपील को, हमारी इस बात को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, वायरल कीजिए हमारी इस बात को, हमारी समस्या को अपनी समस्या समझकर आप हमारी समस्या को, इस बात को जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके कानों तक पहुँचे, इससे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। प्लीज़ लेडीज, प्लीज़ अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, उन सबसे हमारे हाथ जोड़ कर विनती है कि हमारी इस वीडियो को अधिक से संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और हमारी समस्या को अपनी समझ कर हमारा साथ दें। प्लीज़ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा के साथ में राजीव, धन्यवाद।